गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। विवेक की साधना और सिद्धि, इस प्रवचन में पिछले बार पूज्य गुरुदेव ने समझाया था कि हमारा आहार जितना सात्विक होगा, जितना सिंपल होगा, उसी के आधार पर हमको सिद्धियाँ भी मिलती जाएंगी। आहार की साधना करने से हमारा अन्नमय कोष प्रभावित होता है। आइए अब जानते हैं मन की साधना कैसे करें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, साधना जो मनुष्य को उत्कृष्ट बना देती है, इसी संदर्भ में मैं आपको बतला रहा था जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। कल हमने आपको बतलाया था कि मन को काबू कर लेने के बाद भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, गायत्री माता का ध्यान कैसे करना चाहिए, उन्हें बार बार घूम घूम कर देखना होगा ताकि आपका इधर उधर भागने वाला मन काबू में रहे तथा आप उनसे संबंध रख सकें। इसके लिए आपको मन की साधना करनी पड़ेगी। मन की साधना के दो माध्यम हैं, पहला है विवेक और दूसरा है साहस। इनके द्वारा ही हम रिद्धि सिद्धियों से भरते चले जाते हैं। अपने आहार विहार को ठीक करने के बाद अपनी प्रगति होती चली जाती है। मनुष्य के अंतःकरण में बैठा हुआ विवेक और साहस जब जागृत हो जाता है तो इन दो आधारों पर ही मनुष्य जो चाहे प्राप्त करता हुआ चला जाता है। मित्रों, राजस्थान में एक संस्कृत के अध्यापक थे, हीरालाल शास्त्री। शास्त्री जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। हमारे आपके साथ ऐसा हो जाने पर या तो आत्महत्या कर लेंगे या दूसरी शादी कर लेंगे। परंतु संस्कृत का वो अध्यापक गांव चला गया। उसने कहा कि उस महान नारी ने हमें आनंद उल्लास से भर दिया था, हमारे अंदर विवेक साहस जागृत कर दिया था। उसके मरने के बाद उसकी याद में हम इस गांव के अंतर्गत कुछ करना चाहते हैं। हम उसके प्रति अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं। इस गांव की कन्याओं को हम पढ़ाना चाहते हैं। वे नौकरी छोड़कर गांव आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर उस गांव की कन्याओं को पढ़ाने लगे। 30 दिन की रोटी का प्रबंध 30 घरों से हो गया और वो अपने आदर्श कर्तव्यों पर आरूढ़ हो गए तथा पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को करने लगे। आदर्श सिद्धांतों का धनी वो उस स्कूल को चलाता चला गया। लोग आए और मदद करते चले गए। विद्यालय का काम सुचारू रूप से चलने लगा। मित्रों, शीरी फरहाद की कहानी आप जानते हैं। शीरी को फरहाद चाहता था। राजा ने इस समस्या का हल करना चाहा तथा फरहाद को इस रास्ते से अलग करने का मन कर लिया। उसने एक योजना बनाई। फरहाद से कहा, देख, इस पहाड़ से उस पार एक नदी है, उसको काट करके इधर से नहर लानी है। फरहाद का प्रेम अमर था। उसने कहा कि ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहाड़ को काटकर नहर ले आया। लोगों ने भी सहयोग दिया। इस साधना को देखकर राजा को शीरी का हाथ फरहाद के हाथ में देना पड़ा। इसी प्रकार उस अध्यापक का भी विद्यालय चल पड़ा तथा कुछ ही दिनों में वो राजस्थान का एक महान विद्यालय बन गया। वो व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बन गया। उस हीरालाल शास्त्री को सब लोगों ने पसंद किया तथा उसे सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाया गया। मित्रों, इस तरह विवेक की सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग महान बनते चले गए, उनकी प्रगति के रास्ते खुलते चले गए। साथियों, एक छोकरी थी, उसकी शादी एक दरोगा के लड़के के साथ हो गई थी। दरोगा शराब पीता था तथा उसके लड़के को भी शराब की लत लग गई थी। वो भी 18 साल की उम्र में से ही शराब पीने लगा था। छोकरी ससुराल आई, उस घर का सारा दृश्य देखा, परंतु घबराई नहीं, अपने पति की सेवा करती रही और अपनी कर्तव्य परायणता पर अडिग रही। उसका पति रोज 12 बजे रात में आता था, तब तक वह जागती रहती थी। उसको भोजन करा के ही वो भोजन करती थी। चूंकि उसके परिवार वालों ने बताया था कि पत्नी को पति को भोजन करा के ही खाना खाना चाहिए,
एक दिन रात के 2 बज गए, वो आया ही नहीं। आटा गूंथ कर रखा था, चूल्हा जल रहा था। थोड़ी देर बाद वो आया तो काफी शराब पी कर के रखी थी। आते ही उल्टी करने लगा, सारे कपड़े खराब कर लिए। पत्नी ने सफाई की, नहलाया धुलाया तथा सुला दिया। सुबह आंखें खुली तो उसने देखा कि चूल्हा जल रहा है, आटा गुथा रखा है। उसने पत्नी से पूछा कि क्या तुमने खाना नहीं खाया? पत्नी बोली, भला मैं कैसे खा लेती? मेरे माता पिता ने कहा है कि पति के खाने के बाद खाना तथा उसकी सेवा करना। कल रात्रि में जब आप आए तो काफ़ी मात्रा में शराब पी रखी थी। हमने सफाई की क्योंकि आपने उल्टी कर दी थी। आपने जब भोजन नहीं किया तो फिर हम कैसे कर लेते? मित्रों, करुणा की देवी, वात्सल्य की देवी की आवाज़ उसकी आत्मा में पहुंची। वो द्रवित हो गया, उसे आत्मग्लानी हुई तथा उसी दिन से उसने शराब ना पीने का संकल्प ले लिया। साथियों, आगे चलकर वही व्यक्ति मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुआ। उनके द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कितना महान है। वो मालवीय जी द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की समकक्ष एक दूसरा विश्वविद्यालय है। विवेक के आधार पर आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद बन गया। आदर्शवादिता की ओर अग्रसर कर देने वाला विवेक बड़ा महान है। विवेक मनुष्य को कहां से कहां उछाल कर ले जाता है। सिद्धियां मनुष्य के भीतर भरी पड़ी हैं। अगर विवेक के आधार पर हम चलें तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार हम महाराष्ट्र गए और महर्षि कर्वे के आश्रम से ये सीख कर आए कि महिलाओं की सेवा किस तरह से हो सकती है, बच्चों की सेहत को कैसे सुधारा जा सकता है। महर्षि कर्वे के आश्रम में जाकर मैंने ये सब सीखा। उन्होंने कहा कि मैं बंधन का जीवन जीना नहीं चाहता और ना ही नौकरी करना चाहता हूँ। मैं तो देश, समाज तथा संस्कृति की सेवा करना चाहता हूँ। इस दुनिया के अंतर्गत जो भी पीड़ित और पतित हैं उनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। जो दुखी हैं उनकी आँखों के आंसू को मैं पोछना चाहता हूँ। उनके आश्रम में जाकर हमने भी एक प्रेरणा प्राप्त की थी कि नौकरी नहीं करेंगे तथा दूसरों को नौकर बनने की शिक्षा नहीं देंगे। महर्षि कर्वे ने भी जीवन भर गुलामी नहीं की, नौकरी नहीं की। मित्रों, उनके पिताजी ने सभी लड़कों को 3,000-3,000 रुपये दिए थे। महर्षि कर्वे ने उन्हें जमा कर लिया और सेवा में लग गए। बच्चों को कुसंस्कारी, भ्रष्ट एवं दुराचारी अगर बनाना है तो उनके हाथों में बेकार के मुफ्त के पैसे थमा दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाते चले जाएं, तो आपके बच्चे हीरे एवं मोती के बनते चले जाएंगे। परंतु अगर आपने बेईमानी से कमाया तथा वो अन्न उन्हें खिलाया तो उसका असर उन पर अवश्य होगा। अगर आप फोकट का धन छोड़ते हैं तथा ये सोचते हैं कि इसे बेटा खाएगा तो आपकी भारी भूल है। मित्रों, इस धन को बेटा नहीं खाएगा, उसे बर्बाद करेगा। बेईमानी से कमाया हुआ धन, बेईमानी का अन्न, रिश्वतखोरी, स्वार्थपन, दूसरों का बुरा सोचना, ये सभी हमारी साधना में बहुत बड़ी रुकावट हैं। इसलिए इनको अवश्य दूर करें। आज के लिए इतना।